हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग बात कर लव इट्स फ्लो के बारे में, जो कि कोरियन ड्रामा है। के टोटल 16 एपिसोड्स है। पर एपिसोड आपको एक घंटे के अराउंड देखने के लिए मिलेगा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। तो अगर आपको ये ड्रामा देखना है तो ये आपको अमेजोन मिनी टीवी और आपको एमएक्स प्लेयर पर भी ऑफिशियली हिंदी डबिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक 2023 का ड्रामा है, लेकिन अभी जाकर के इसका ऑफिशियली हिंदी डबिंग में रिलीज किया गया है। तो अगर आपको ये ड्रामा को देखना है तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हो। तो बात करते हैं इसके स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि जीव नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो कि टीचर होती है, और उसके तीन भाई जो लोग रहते हैं, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम रहते हैं, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लड़की जो लोग रहती है उसको ये आकर के परेशान करती है, क्योंकि जो तीन लड़के होते हैं, जो कि तीनों की गर्लफ्रेंड जो होती है, जो इनको ये आकर के परेशान करती है, उस लोगों का लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड छीन लेगा। फिर उन लोगों को भी बाद में चल करके मालूम पड़ता है कि ये इसकी बहन है, तो वो इस हिसाब से बताया गया है, जिसकी वजह से हमेशा कुछ ना कुछ लोचा खड़े होते रहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है एक लड़का को, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम रहता है, प्लस अमीर भी रहता है, लेकिन वो काफी अनफिट रहता है। मतलब कि वो फिट जैसा दिखाता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं है, और हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक बीमारी रहता है, जो कि डॉक्टर के पास जाता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसके पास में कुछ ऐसा चीज हुआ है जिसकी वजह से वो बीमारी पैदा हुआ है। सोचता है, फिर सोचने के बाद मालूम पड़ता है कि एक लड़की से वो प्यार करता था, और वो जो लड़की जो थी उसको मना कर दी थी, क्योंकि तब ये मोटा था और उसका शक्ल थोड़ा बद्दा जैसा दिखता था ये, लेकिन बड़ा होने पर उसका शक्ल काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और काफी ज्यादा हैंडसम भी हो जाता है। फिर सोचता है कि उससे बदला ले। फिर उससे बदला लेने के लिए पहुंच जाता है उसके स्कूल में, और स्कूल में उसको कैसे परेशान करता है, फिर आगे चल करके दोनों में कैसे प्यार होता है, तो ये सब चीजें हैं जो बताई गई है। तो अगर आपको देखना है तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हो। ये आपको ऑफिशियल हिंदी डबिंग में देखने के लिए मिल जाएगा। ये काफी आपको कॉमेडी जैसा सीन्स है जो देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको देखना है तो आप लोग इसको जाकर के देख सकते हो।